नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जीके का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 56 है। इसके पहले 55 तक अच्छे से कम्प्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको गाइस मिल जाएगी क्लास, आप आसानी से देख सकती हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे प्यारे भाई, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल का आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और ये बात अगर आपके दिल के अंदर है तो निश्चित है कि आप अपने मंजिल तक बहुत जल्द पहुँच जाएंगे, निश्चित है कि आप अपने वर्दी के करीब बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो निश्चित है कि आप अपने मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे और गाइस आपको वर्दी मिल जाएगी, एक सीट आपकी कंफर्म तो हो ही जाएगी। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बलरामपुर में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, पहले तो स्थान दिया गया, फिर कहा गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों विनियमों के उपबंधों के उल्लंघनों का अन्वेषण करेगा, यानी नियंत्रक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत या नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी या गैस ए व बी दोनों। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नियंत्रक सूचना प्रौद्योगिकी और नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों व विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन का अन्वेषण करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कुल कितनी प्रतिशत है? की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 18.2%। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1962 में, यानी कि 1962 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने कि एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? सभी मित्र बताएंगे। देखो गाइस, हमें लगता है कि अब हमें ये जीके की जो सीरीज आपकी चल रही है, लगभग आज आपकी 56 क्लास हो गई है, लेकिन लगता है कि अब हमें ये क्लास बंद करनी पड़ेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि बच्चे देखते नहीं हैं तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, मन डीमोटिवेट हो जाता है। और गाइस, जब बच्चे नहीं देखेंगे, हमारे प्यारे भाई बहन देखें ही ना, तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, मैं आपको बता दूं कि अगर हर दिन लाइव क्लास में हमारे 50 तक ही बच्चे रहते हैं, 50 नहीं अगर 40 के ऊपर ही रहते हैं बच्चे, तो भी मैं क्लास डेली लूँगा, अन्यथा मैं क्लास बंद कर दूंगा, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं, और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके ऊपर हमारा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे भाई, मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हैं तो आप हमारा सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं। यदि हाँ चाहते हैं तो कृपया गाइस क्लास को शेयर करें और आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। अगर आप क्लास को शेयर नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, तो क्लास बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्लास बंद हो जाएगी, ये बात आप समझ लो, ठीक है? क्योंकि गाइस मेहनत लगती है और अपना कीमती समय हम आपके लिए खर्च करते हैं, तो उसके लिए भी मुझे कुछ सपोर्ट मिलने की बहुत ज़रूरत होती है।
एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 746 वाट आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोयाबीन। नेक्स्ट आपके सामने, अधिनियम की धारा 80C प्रावधान है, इसका आंसर आप बताएंगे किससे संबंधित है। जो अधिनियम की धारा 80 का सी है, सही आंसर हो जाएगा जीवन बीमा प्रीमियम से संबंधित है, भविष्य निधि में अंशदान से संबंधित है, समता अंशों में अभिदान से संबंधित है। दैट मीन्स यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, जो टेलीविजन के आविष्कारक हैं वो हैं जे.एल. बेयर्ड। हालांकि यहाँ पर लिखा गया जॉन लॉगी बेयर्ड जो कि इनका पूरा नाम है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में गाइस कुछ इस प्रकार से मिलेगा जे.एल. और बेयर्ड, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन मिलता है तो भी आप बताएंगे, या जॉन लॉगी बेयर्ड मिलता है तो भी आप बताएंगे, क्योंकि जॉन लॉगी बेयर्ड जो है गाइस जे.एल. बेयर्ड का पूरा नाम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस क्रिकेटर को प्रथम बार अर्जुन पुरस्कार मिला। किस क्रिकेटर को प्रथम बार अर्जुन पुरस्कार मिला, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सलीम दुर्रानी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सलीम दुर्रानी को सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपके सामने, कौन नगदी लेन देन का सबसे अधिक प्रभावी टूल है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। नगदी लेन देन का सबसे ज्यादा प्रभावी टूल यहाँ पर भीम है, भी है, ई वैलेट भी है, आधार आधारित भुगतान भी है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, अमौखिक संचार का कालानुक्रम जो है ये क्या होता है, ये आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमौखिक संचार का कालानुक्रम जो है वो होता है संकेत, प्रतीक और कूट रंग, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में उपकर निम्न में से किस पर लगाया जाता है। गाइज यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में जो कर है ये किस पर लगाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना आपूर्ति के कर योग्य मूल्य पर, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके सामने, किस खेल के लिए सबसे बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। किस खेल के लिए सबसे बड़े मैदान की आवश्यकता होती है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा पोलो के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की प्रक्रिया का जो वर्णन है ये किस धारा के अंतर्गत है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की प्रक्रिया का जो वर्णन है यह धारा 3 से लेकर के धारा 11 के अंतर्गत है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? निम्न में से कौन से राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? शिक्षा के अधिकार, मृत्यु के अधिकार, या उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार, या ग्राम पंचायतों का गठन? इसमें कौन सा नीति निर्देशक के तत्व हैं, इसका आंसर आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुए? भारत में पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, वह कौन थे? बी आर जाखड़, जी बी मावलंकर, हुकुम सिंह, या के एस हेगड़े? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर जिन्हें आप जीबी मावलंकर भी कहते हो। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? देखो गाइस, आज के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप गाइस इस क्लास को दो बार देख लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसे ही आपकी ये आज ही अभी क्लास खत्म हो रही है, इसके एक घंटे बाद इस क्लास को दोबारा तुरंत देख लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से याद हो जाए। और उसके बाद जब आपको इसकी PDF मिलेगी, तो आप PDF के थ्रू इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ओके? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप इसे दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो गाइस, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बिल्कुल भी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21, किस लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है? देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ना तो गाइस SC के लिए आरक्षण दिया गया है और ना ही ST के लिए, साथ में जम्मू कश्मीर में भी ये प्रक्रिया और मेघालय में भी ये प्रक्रिया लागू है। यानी यहाँ पर गाइस अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के लिए आरक्षण का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने गाइस, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम में दिया गया है या किया गया है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपको भले ही गाइस थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में टपकने के काफी ज्यादा चांस दिख रहे हैं। इसकी शक्ल से ही मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर गाइस, जो आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो हो जाएगा जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, इसके अंतर्गत गाइस जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने गाइस, की अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने को दे सकता है, ये घटना जो है ये क्या कहलाती है? इसका आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बैठ जाना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गाइस नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। आई होप अब आपको यहाँ पर गाइस क्वेश्चन जो है एक अच्छे ढंग से दिख रहा होगा। भारत के महान्यायवादी के विषय में आपको गाइस जो नीचे चार कथन दिए गए हैं इन पर विचार करना है और आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सही है। क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं किया गया है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका केवल और केवल एक और दो कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गाइस के निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। सबसे पहले होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव, यानी 4-3-2-1 कहाँ पर आपका राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखना ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे, इसका आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राजा राम मोहन राय जो हैं ये किससे जुड़े हुए थे मेरे प्यारे भाई? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं। एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को एक लाइक ज़रूर करेंगे। मेरे प्यारे भाई सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए। राजा राम मोहन राय जो है गाइस ये जुड़े हुए थे, राइट हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो इसकी PDF है ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का नेम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, जाकर के आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला आपके सामने गाइस के न्यायमूर्ति रनाडे जो हैं ये जुड़े हुए थे, न्यायमूर्ति जो रनाडे हैं ये किससे जुड़े हुए थे? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या फिर रामकृष्ण मिशन से? सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रनाडे जो है गाइस ये जुड़े हुए थे प्रार्थना समाज से, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। लोकसभा सदस्य या संसद बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर आप बताएंगे। लोकसभा सदस्य या फिर लोकसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम या कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस कम से कम 25 वर्ष का तो होना ही चाहिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के ऊपरी सदन को हम क्या कहते हैं? संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। गंगा नदी की जो गाइस लंबाई है कितनी है, लगभग सभी जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, तो आप भी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। गाइस सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट होगा, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे, सो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गंगा नदी की जो गाइस लंबाई है यह है मात्र 2500 किलोमीटर, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या है, देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपके प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था तो इसकी मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ऐसा इसलिए नहीं किया गाइस ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इसका गलत उत्तर देता है। पहले तो आप इसका आंसर बताइए, देखो राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा 28, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि कौन भारतीय संस्थान अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करता है, कौन भारतीय संस्थान अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करता है? नासा, PRL, IIT, इसरो।
आप सभी जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी गाइस यहाँ पर जो भारतीय संस्थान अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो हो जाएगा इसरो, यानी ISRO, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे कहीं कहीं गाइस ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र या संगठन, ये जो है गाइस ये इसरो का पूर्ण रूप होता है। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस नदी में गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र नदी से, मतलब किस नदी सॉरी किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है आपसे ये पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि फतेहपुर सीकरी शहर की नींव किसने डाली? सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी शहर की नींव किसने डाली? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अकबर ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला है कि असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा बिहू, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कितने वर्ष से कम उम्र के श्रमिक को बाल श्रमिक कहा जाता है? 12, 15, 14 या फिर 16, कितने वर्ष से कम उम्र के श्रमिक को बाल श्रमिक कहा जाता है इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अगर उम्र 14 वर्ष से कम है, अगर उम्र 14 वर्ष से कम है तो गाइस उन श्रमिकों को बाल श्रमिक कहा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को खरीदते समय समाप्ति तिथि की जाँच करना कम महत्वपूर्ण है? वैसे भी आप देखेंगे तो गाइस आप थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाएंगे तो आंसर आसानी से आ सकता है। देखो खाद्य उत्पाद के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जो इसकी एक्सपायरी डेट है या समाप्ति तिथि है वो क्या है। हालांकि गाइस कोई भी उत्पाद अगर आप खरीदते हैं तो उसमें तुरंत आप देखते होंगे कि इसकी MFZ डेट एंड एक्सपायरी डेट क्या है। औषधि तो सबसे ज़्यादा जरूरी, अगर एक्सपायर दवा खा लेंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगी। दूध उत्पाद जो है गाइस ये भी आपका कहीं ना कहीं देखना जरूरी होता है। लेकिन गाइस बर्तन के लिए कोई खास जरूरी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अमरनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखो गाइस इस समय ये खास क्वेश्चन भी आपका बन जाता है क्योंकि गाइस इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित न्यूज़पेपर भी इसके आ रहे हैं, यानी कि न्यूज़ भी इसे काफ़ी ज़्यादा चर्चित आ रहे हैं। तो देखो अमरनाथ की गुफा जो है गाइस ये पड़ती है कश्मीर में, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्लास की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ये रहा आपके सामने इसका पूरा का पूरा आंसर। PDF के साथ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। गाइज आपको ये PDF कहाँ मिलेगी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक बार फिर से देख लो। इसकी PDF आपको मिलेगी आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी सर पर, ये आपका गाइज है टेलीग्राम चैनल, ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी वीडियो के नीचे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक करके ही जाइएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगी। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में सिद्ध ही आपका स्कोर कितना रहा 38 क्वेश्चन में कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि गाइस आपका स्कोर कितना रहा 38 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 38 में आपका स्कोर कितना है ये जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जानूं कि मेरे प्यारे भाई किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनको और कितनी तैयारी की अभी ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे भाई अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस क्लास को अपने मित्र तक साझा भी कर लीजिए। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे UP पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या UP लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप YouTube चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं।
इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।